देखो बस, क्रिकेट का खेल दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। जैसे कल के मैच में सूर्य भैया ने तेजी से 76 रन बनाए और मैच को समाप्ति की ओर ढकेला। वेल, जिस तरह से सूर्य भैया ने 165 रनों का टारगेट चेस करना शुरू किया, उससे लगने लगा कि मैच समय से पहले ही खत्म हो जाएगा। वैसे कल के मैच और जीत पर एक मस्त वीडियो हमने अपने नोपो चैनल पर डाली है, आपका वेट कर रही है वो वीडियो, जाकर उसको जरूर देखना। लेकिन इस वीडियो में आपके लिए कुछ स्पेशल है, इसलिए एंड तक इसको भी जरूर देखना। भाई ने बोला करने का तो करने का। क्या है ना कि एक टर्म जो क्रिकेट में उतना नया तो नहीं है, लेकिन पिछले 10-12 सालों में काफी चर्चा में आया है, वो है फिनिशर। आज सभी टीमों को एक अच्छा फिनिशर चाहिए होता है, जो अंतिम के ओवरों में टीम को मझधार से निकाल सके। जब मैच में टॉप और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज फेल हो जाते हैं, तब मैच में फिनिशर ही टीम को मुश्किलों से उबारने मैदान पर आता है। वैसे मैच फिनिश करना सबके बस की बात नहीं है, खासकर T20 मैचों में तो जिस टीम का फिनिशर चलेगा उसी टीम का रंग जमेगा। तो आइए आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही महान मैच फिनिशर्स पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो भी शेयर करके और भी लोगों तक पहुंचाइएगा। शुरू करते हैं। फिनिशर नंबर 5, माइकल बेवन। जी हाँ, माइकल बेवन ऑस्ट्रेलिया के लिए 1990 के दौर के सबसे शानदार फिनिशर थे। नंबर 7 पर बैटिंग करने वाले बेवन टारगेट को ऐसे चेस करते थे मानो ऐसा करना बहुत ही सिंपल हो। मॉडर्न क्रिकेट में फिनिशर शब्द का चलन भी बेवन की ही देन है। मैच में जितना ज्यादा प्रेशर होता था, माइकल बेवन की बैटिंग उतनी ही खतरनाक हो जाती थी। 1999 और 2003 में ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड कप जीत इनके बिना मुमकिन नहीं थी। आगे बढ़ते, फिनिशर नंबर 4, शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी अपनी पारी की पहली ही गेंद को उड़ाने के लिए मशहूर थे। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान ने सभी फॉर्मेट्स में मिलाकर 10,000 से भी ज्यादा रन बनाए। वनडे क्रिकेट में तो अफरीदी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े मैच विनर रहे। गेंद और बैट दोनों से अफरीदी ने पाकिस्तान को कई मैचेस जिताए, मगर अफरीदी के पास जिस चीज की कमी थी वो थी कंसिस्टेंसी, जो कि फिनिशर की लिस्ट में अगले खिलाड़ी में भर भर करती। फिनिशर नंबर 3, एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स ने भी अपने क्रिकेट करियर में काफी कारनामे करके दिखाए हैं। मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर इस साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी में ऐसी काबिलियत थी कि वो गेंद को हर कोने में मारने का हुनर रखते थे। एक कूल स्वभाव के व्यक्ति एबी डिविलियर्स बैटिंग को बेहद सिंपल बना देते थे। उनके स्टाइल का तो हर कोई दीवाना है। डिविलियर्स ने सभी फॉर्मेट में कुल 19,000 से ज्यादा रन बनाए और ये इकलौते बल्लेबाज थे जिनका बैटिंग एवरेज 50 से ऊपर और स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर ही रहा। साउथ अफ्रीकन टीम के साथ साथ इन्होंने आईपीएल में बेंगलुरु के लिए खेलते हुए सभी के दिलों पर हमेशा राज किया। आगे बढ़ते, फिनिशर नंबर 2, डीके भैया दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक किस नंबर में होने चाहिए आप खुद तय कर सकते हैं। साल 2004 में डेब्यू करने वाले दिनेश कार्तिक भाई फिनिशर के रूप में हाल ही में बहुत मशहूर हुए। वैसे 4 साल बीत चुके हैं जब डीके ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ जिताया था। आईपीएल में बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए भी शानदार प्रदर्शन करने वाले दिनेश कार्तिक को आज इंडिया की T20 टीम में एक नेचुरल सिलेक्शन माना जाता है। और कई लोगों का ये भी मानना है कि कार्तिक 2022 की T20 वर्ल्ड कप टीम में भी पक्का सेलेक्ट होंगे। क्या लगता है आपको? आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नंबर 1 फिनिशर की। पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? जो धोनी का सच्चा फैन होगा वो वीडियो यहाँ तक देखते देखते जरूर पहुंचा होगा। क्यों? क्योंकि उसको इंतजार होगा कि माही भाई जरूर आएंगे। भारत के लिए अनगिनत कमाल धमाल लाजवाब पारियां खेल चुके धोनी को वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैच फिनिशर माना जाता है। ये बात भले ही किसी आंकड़ों में दर्ज न हो, फिर भी कोई उस गेंदबाज से जाकर पूछे जो आखिरी ओवर में धोनी के हाथों मारे गए हो। छक्कों के साथ मैच फिनिश करने में एक्सपर्ट धोनी ने 9 बार ऐसा किया है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भारत और चेन्नई के लिए कई ऐसे मैच खेले जिसमें उन्होंने टीम को अकेले दम पर जीत दिलाई। ज्यादातर डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी करने के बावजूद धोनी ने वनडे क्रिकेट में 10,000 से भी ज्यादा रन बनाए और 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में धोनी ने जिस तरह से मैच को खत्म किया था वो हर हिंदुस्तानी के दिमाग में छप चुका है। इसलिए हर क्रिकेट फैन उनसे यही कहता है, माही भाई भी लव यू। सो मैच फिनिशर की ये लिस्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएगा। हमारे क्रिको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और भी कड़क वीडियोस यहां पर हम लाते रहेंगे। फिलहाल जाएंगे, कल मिलते हैं आपसे यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।